जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों, आज का तुला राशि फल, रविवार का दिन 4 जुलाई, अषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि, सुकर्मा योग, अश्वनी नक्षत्र 9:06 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र आरंभ होगा। आपकी राशि तुला पर मंगल और शुक्र का प्रभाव होगा, राहु की छाया होगी, शनि और बुध की दृष्टि होगी। तुला राशि वालों, आज आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपकी राशि तुला के दसवें घर में मंगल और शुक्र एक साथ गोचर कर रहा है। कुंडली का दसवां घर यानी आपका कर्म स्थान में मंगल और शुक्र का एक साथ गोचर करना आपके सौभाग्य धन को बढ़ाएगा। आज जहां धन का लाभ होगा, वहीं आपके जीवन में कोई बड़ी सफलता और खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि कर्म भाव में बैठा मंगल शुक्र के साथ बहुत ताकतवर हो गया है। मंगल जिसके मित्र ग्रह सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा है, आपकी कुंडली में सूर्य भाग्य स्थान में बैठा है, जबकि चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, वहीं बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में है। तो मंगल के मित्र ग्रह भाग्य स्थान, गृहस्थ जीवन और आपके सुख के घर में गोचर कर रहा है, जो आपके जीवन में तरक्की देगा, समृद्धि देगा। आप जीवन का आनंद लेंगे, अपने काम को अच्छे से करेंगे और बड़ी सफलता कामयाबी पाएंगे। आज आपको बड़ी सफलता हासिल होगी, क्योंकि आज दिन बड़ा शुभ है, मंगल और शुक्र कर्म स्थान में गोचर कर रहा है, वहीं शुक्र के मित्र ग्रह बुध, शनि, राहु हैं। राहु और बुध अष्टम भाव में बैठा है, जबकि शनि सुख स्थान में। शुक्र आपके लग्न का स्वामी है, साथ ही साथ चंद्रमा जो आपके कर्म स्थान का स्वामी है, दाम्पत्य के घर में बैठा है, वहीं सूर्य लाभ स्थान का स्वामी होकर भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। तुला राशि वालों, आज ये मंगल अश्लेषा नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है। अश्लेषा नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी बुध है, जो आज आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है, वहीं शुक्र पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहा है, जिसका नक्षत्र स्वामी शनि है, जो सुख स्थान में बैठा है। शनि की दृष्टि शुक्र और मंगल पर है, वहीं चंद्रमा आपके लग्न को देख रहा है। ऐसे में आपकी महत्वाकांक्षा, साहस और ऊर्जा बढ़ेगा, क्योंकि मंगल जहां ऊर्जा, साहस, महत्वाकांक्षा देगा, वहीं शुक्र स्त्री का सुख देगा, आपके जीवन में धन देगा, संपत्ति और वैभव से आपको परिपूर्ण करेगा। आज आपके अंदर खुशी होगी, जीवन में आप बहुत कुछ पाएंगे। आज आपकी छवि मनमोहक होगी, आपकी एक मुस्कान किसी को भी अपने तरफ आकर्षित कर सकता है। भाग्य आपको उन्नति का अवसर दे रहा है। आज अपने हर परिस्थिति में हर मौका का आप लाभ उठाएंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तुला राशि वालों, अगर आपकी उम्र 24 वर्ष से ऊपर है तो आपके जीवन में परिवर्तन होगा, 33 वर्ष से ऊपर है तो भाग्य उदय का योग बनेगा, और 45 वर्ष से ऊपर है तो आपके जीवन की चिंताएं दूर होगी। आज पारिवारिक जीवन सुखी होगा, क्योंकि आज चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है, जो आपके परिवार में हर्ष उल्लास का वातावरण बनाएगा।
जीवन साथी के साथ आपके प्यार को दुगना करेगा। जीवन का सुख, जीवन में धन, प्रभावशाली व्यक्तित्व, आज उन्नति का अवसर भरपूर मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए सफलता, कामयाबी, खुशखबरी, आज धन धान से भी आप परिपूर्ण रहेंगे। आज आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, नकारात्मक विचार दूर होंगे और आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आज दिन बेहतर है, ऐसे में आप अपने जीवन में बड़ी सफलता, कामयाबी पाएंगे। जो लोग व्यापार करते हैं उनके जीवन में बड़ा लाभ होने की संभावना है। जो स्टूडेंट हैं बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मंगल और शुक्र एक साथ आपकी कुंडली के दसवें घर में गोचर कर रहा है। वहीं राहु की छाया है। राहु जो बुध के साथ अष्टम भाव में बैठा है, खुशनुमा परिवार, अच्छा माहौल, आपके जीवन में उन्नति, तरक्की, लाभ की स्थिति, नए नए अवसर मिलेंगे, तरक्की से मन में खुशी होगी, आपकी महत्वाकांक्षा पूरी होगी। आज भाग्य सौभाग्य आपके जीवन में धन समृद्धि और सुखों को बढ़ा रहा है। आज आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा। आप बहुत तरक्की करेंगे। आपके जीवन में अच्छा काम शुरू करने का सुंदर योग है, जो धन संपत्ति से युक्त करेगा, एक नई शुरुआत देगा, अच्छा परिणाम देगा, शानदार सफलता देगा। तो आज आपके भाग्य के सितारे चमक रहे हैं। तुला राशि वालों, आज भरणी नक्षत्र में आपके लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:28 से 9:06 तक, सर्वाध सिद्धि योग और ब्रह्म योग में आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाने वाला शुक्र का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। दोपहर 2:45 से 3:40 तक, इस दौरान आप मंगल के प्रभाव से ज्यादा प्रभावित होंगे। शनि और बुध की दृष्टि है। शनि जो सुख स्थान में बैठा है, आपके जीवन में अच्छे अच्छे अवसर दे रहा है, आपके मनोबल को बढ़ा रहा है, लाभ ज्यादा दे रहा है, साथ ही साथ आपके जीवन में खुशखबरी और आपके परिवार में समृद्धि दे रहा है, जिससे आज आपके घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। समृद्धि, धन, भाग्य से आज आप परिपूर्ण होंगे। हर काम में सफलता मिलेगी, भाग्य का लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों, आज आप सुंदर, तेजस्वी, कर्म करने वाला कर्मयोगी बनाएंगे। धन कमाने की इच्छा पूरी होगी, कठिन परिश्रम से अपने भाग्य को चमकाएंगे। आज का राहु काल शाम 5:39 से 7:23 तक। राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। आज मंगल और शुक्र का प्रभाव है। कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, भरणी नक्षत्र है, रविवार का दिन है, सुकर्मा योग है। दिन की शुरुआत पश्चिम दिशा की तरफ से ना करें। आपके लिए लक्की कलर रेड होगा, लक्की नंबर 3 होगा। तो आज मंगल और शुक्र का प्रभाव, राहु की छाया, शनि और बुध की दृष्टि, जीवन में सौभाग्य, धन, लाभ का योग बना रहा है, जो आपकी किस्मत को बदलेगा, आपके जीवन में तरक्की और आपको लोकप्रिय बनाएगा। आज का दिन शानदार है, आज का दिन भाग्यशाली है। आपके जीवन में सुख सुविधा, धन सम्मान, उन्नति, तरक्की, सौभाग्य और सुखों को बढ़ाएगा। आज आपकी मेहनत रंग लाएगी, प्यार बढ़ेगा, सुख मिलेगा, स्त्री का प्यार आपके मन में संतुष्टि देगा। तो तुला राशि वालों, ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज भरणी नक्षत्र है, सुकर्मा योग है, मंगल और शुक्र का प्रभाव है, शनि और बुध की दृष्टि है। आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी के आशीर्वाद से भाग्य चमकेगा,
किस्मत बदलेगी, सुख मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, जीवन की विघ्न बाधा परेशानी दूर होगी और आपके जीवन में लाभ का योग बनेगा। तो तुला राशि वालों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।